कोलकाता में पुलिस प्रदर्शनकारी भिड़ गए, पुलिस ने लाठीचार्ज उनके ऊपर किया और साथ ही प्रदर्शनकारियों की ओर से भी पत्थर फेंके गए। ये पुलिस भी कह रही है, पुलिस की तरफ से फिर लाठीचार्ज किया गया, लेकिन जैसे ही वो बैरिकेडिंग के पास पहुंचे वैसे ही से अब अनाउंसमेंट की जा रही है। देखिए, हालांकि अनाउंसमेंट यही है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो, अपील यही कि पीछे हट जाए, नहीं तो फिर यहां पर वाटर कैनन का क्योंकि इस्तेमाल हो रहा है, लाठी चार्ज का इस्तेमाल हो रहा है, यहां पर अलग अलग फोर्सेस को तैनात किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब पानी की बौछार हुई और भीड़ को पीछे करने की कोशिश हुई। जनता का आक्रोश लगातार यहां पर बढ़ता जा रहा है। कई जो महिलाएं हैं उनको हिरासत में लिया गया, कुछ महिलाओं को चोट आई है, वो सड़क पर नीचे गिर गई थी और कैसे छात्र को टी शर्ट के माध्यम से घसीटते हुए आगे लेकर गया एक पुलिसकर्मी, वो भी तस्वीरें आपने देखी। तो जिस प्रकार की स्थितियां अभी बनी हुई हैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, वो आप देख रहे हैं कैसे महिला नीचे गिर गई थी, उनको उठाया गया, लेकिन उसके बाद कुछ पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचते हैं और उनको उठाकर वहां से लेकर जाते हैं और कैसे एक प्रदर्शनकारी को यहां पर घसीटते हुए रोड पर आगे ले जाया जा रहा है, उसकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी इस्तीफा दें, यही मांग को लेकर, साथ ही जस्टिस हो हमारे साथ, डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो और साथ ही डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिले, इन तमाम मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शनकारी और जो छात्र संगठन है वो इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। छात्र संगठन से जुड़े हुए लोग इस वक्त आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं, महिलाएं पुरुष सब एक साथ एक सुर में नारेबाजी करते हुए और पुलिस की वैन में कैसे पुलिसकर्मियों ने हिरासत में लिया लोगों को, वो भी तस्वीरें सामने आपके। दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने, भारी भीड़ का हुजूम है और लगातार अपना रोष दर्ज करवा रहे हैं 6,000 से ज्यादा पुलिस वाले, इस भीड़ को रोकने के लिए, खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर कैन का इस्तेमाल किया जा रहा है, भीड़ को खदेड़ा जा रहा है, कुछ लोग डिटेन किए गए और इस बीच देखिए एक शख्स को टी शर्ट से घसीटा जा रहा है सड़क पर, क्योंकि वो अपना रोष दर्ज करवाने के लिए इस प्रदर्शन का हिस्सा बन गया और भारी संख्या में जो भीड़ है उसको खदेड़ने के लिए यहां पर एक लोहे की दीवार लगाई गई थी, उसको लांग कर ये भीड़ आगे बढ़ती हुई, भीड़ आगे आगे, पुलिस उसको खदेड़ते हुए पीछे पीछे दौड़ रही है, सचिवालय तक न पहुंच पाए इसके लिए सारी कोशिश जारी और हालात तनावपूर्ण है। और सौमित सेन गुप्ता, ओवर टू यू, क्या हालात इस वक्त हैं? कुछ लोग तो डिटेन किए गए हैं, कुछ महिलाओं को भी पकड़ा गया, वो जख्मी भी हुई हैं, क्या मौजूदा हालात बताएं? देखिए आंदोलन अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है आंदोलन, कुछ जगहों से अभी भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, हालांकि यहाँ पर इस वक्त हम हैं, यहाँ से पुलिस ने जो आंदोलनकारी है उनको पीछे हटा दिया और पीछे यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि बैरिकेड को यहाँ पर भी तोड़ा गया, यहाँ पर हालांकि हल्का फुल्का बैरिकेड ही लगाया गया था ताकि हावड़ा ब्रिज की तरफ ना जाए, लेकिन इस वक्त हेस्टिंग्स जो इलाका है, हेस्टिंग्स इलाके में लगातार यहाँ पर जो आंदोलनकारी है उनके ऊपर बल प्रयोग किया जा रहा है और उनको गिरफ्तारी भी हो रही है, यहाँ तक कि महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया है। हम दिखाएंगे, कुछ प्रदर्शनकारी अभी भी यहाँ पर रुके हुए हैं और हाथ में उनका तिरंगा है और तिरंगा झंडा लेकर ही वो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि ये छात्र समाज की तरफ से जो आज का ये आंदोलन का नारा दिया गया था, बुलाया था, उस पर ही उन्होंने कहा था कि कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है, लेकिन कहीं पर भी राजनीतिक कोई परिचय नहीं होगा, कोई राजनीतिक झंडा या स्लोगन नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको क्यों रोका क्यों गया? हम लोग छात्र संगठन ने जो बंद बुलाया है इसीलिए हम लोग भी समर्थन में आए हैं, अपना पूरा इलाका का लोग लेके, पुलिस वाला के साथ देके, हम टीएमसी का वर्कर, मेरा पहचान, मैं पहचानता हूँ,
वो लोग भी पुलिस वालों के साथ जुट गया। इतना बड़ा बड़ा डंडा लेके हम लोगों छात्रों को मारा पीटा, उसको ऐसा रास्ते में फेल के कुत्ते की तरह मारा, फिर पुलिस वैन में बिठा के उसको लाल बाजार में उठा लेके आया। अभी उसको फोन कर रहा है ना, फोन में मिल रहा है ना उसका कोई आता पता है। फोर्स अप्लाई किया पुलिस को, पुलिस फोर्स में टीएमसी लोग कैसे घुस गया? पुलिस फोर्स में गुंडा, गुंडा जो है वो टीएमसी का जो गुंडा है वो गुंडा कहाँ से आया? वो एंटी सोशल है इसलिए उसको लेके गया। वो बहुत टीएमसी का एंटी सोशल है जो जॉइनले काम करते है। अभी पुलिस पुलिस की तरफ से यहाँ पर लाठी चार्ज किया गया। क्या हुआ? हम उधर गए थे पहले, शांतिप्रिय मिचिल कर रहे थे, वहाँ पे आके पहले बार टीयर गैस छोड़ा हम लोग, इधर उधर हो गया, फिर एक ओल्डर को लाठी पिटा किया, पुलिस चार्ज किया फुल, छोटे बच्चे भी है उसको भी लाठी चार्ज किया। देखिए यहाँ पर हम दिखाएंगे पुलिस ममोतर हुए खास को चेक। देखिए यहाँ पर लगातार फिर से आंदोलनकारी यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और उधर हम आपको दिखाएंगे सीधी तस्वीरें। यहाँ पर ये MG रोड की तस्वीरें हैं जहाँ पर पुलिस की तरफ से इनको रोकने की कोशिश किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो आंदोलनकारी है वो आंदोलनकारी यहाँ पर फिर से यहाँ पर इकट्ठा होने लगे हैं, और आगे से सामने से यहाँ से पुलिस फोर्स रेडी हो रहा है कि ये फिर से यहाँ पर अटैक होगा, फिर से अटैक कर यहाँ पर बल प्रयोग करने की कोशिश किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, और जो आंदोलनकारी है वो फिर से यहाँ पर एकजुट हो गए हैं और ये बैरिकेड को फिर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जो हालांकि ये बैरिकेड पहले ही तोड़ दिया गया है उसको लेके पटका जा रहा है, पुलिस आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये सीधी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि ये कोलकाता के MG रोड का तस्वीरें हैं, कोलकाता के MG रोड की तस्वीरें हैं ये, जहाँ पर आंदोलनकारी कोशिश कर रहे हैं कि फिर से नवानों की तरफ जाए, हालांकि पुलिस की तरफ से लगातार इनके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया, लगातार इनकी तरफ फोर्स अप्लाई किया कि यहाँ पर इनको यहाँ से इनको हटाया जाए और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार आंदोलन फिर से यहाँ पर अपना चरम पर पहुँच रही है, क्योंकि समय चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, आंदोलन उग्र होता दिख रहा है लगातार। आप ग्राउंड पर हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग के दौरान अपना ख्याल रखिएगा, तस्वीरों पर जी न्यूज़ की बड़ी नजर बनी हुई है। समय ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा कलकत्ता आंदोलित होकर, आंदोलन का हिस्सा बनकर वी वॉन्ट जस्टिस की आवाज को मुखर होकर बुलंद कर रहा है। भारी संख्या में इस वक्त जनता सड़कों पर है, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग उठ रही है, और साथ ही साथ जिस तरीके से देश की बिटिया के ऊपर पूरा उसका रेप किया गया, उसकी हत्या की गई, उसके खिलाफ भीड़ का रोष किस तरीके से सड़कों पर उतर आया है, ये बड़ा आंदोलन है। और 6,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही है, ऐसा नजर आ रहा है कि ममता बनर्जी से जो जो सवाल पूछेगा वो लाठी खाएगा, लाठी चार्ज हो रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, भीड़ को रोका जा रहा है, और किस तरीके से ये उग्र प्रदर्शन एक बड़ा रूप ले चुका है।